I'll drive them all out! Kill them with my bare hands! Do you hear me? With my bare hands! Are you sure about that? हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल देसी ओताकू में, और आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ एनिमे अटैक ऑन टाइटन का। क्योंकि इंस्टाग्राम में मैंने एक पोस्ट डाली थी कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाऊं, और मुझे इस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा कमेंट मिले, चाहे वो कमेंट दो ही थे पर थे। थैंक यू जिन्होंने भी इसके ऊपर कमेंट किया, और मैं चाहूँगा कि आप ऐसे ही पार्टिसिपेट करते रहें। तो ज़्यादा देरी न करते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर एरन येगर से, जो कि अपने दोस्त मिकाशा और आर्मिन के साथ खुशी से अपने दिन काट रहा है। आर्मिन, जिसे कि नई नई किताबें पढ़ने का शौक है, और ये बचपन से सी को देखना चाहता है, समुद्र को देखना चाहता है, और अपने दोस्त एरन और मिकाशा को भी दिखाना चाहता है, लेकिन ऐसा हो पाना नामुमकिन। नामुमकिन इसलिए है क्योंकि इनकी दुनिया बहुत छोटी है। मेरा मतलब यहाँ कि इनकी दुनिया सिर्फ दीवारों के अंदर है, क्योंकि दीवारों के बाहर रहते हैं नंगे जायंट्स। सॉरी, मेरा मतलब कि जायंट्स। जी हाँ, इन दीवारों के बाहर रहते हैं 5 से लेकर 15 मीटर लंबे लंबे दानव, जो कि इंसानों को खाने के लिए कम और शौक के लिए ज़्यादा मारते हैं, जिस वजह से सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को दीवार के बाहर जाना अलाउड है। हमारा मेन कैरेक्टर अपनी ज़िंदगी आराम से काट रहा था, लेकिन अचानक से एक बहुत ही बड़ा टाइटन, बहुत ही मतलब कि दीवार से भी बड़ा टाइटन कहीं से आ जाता है और उस दीवार को तोड़ देता है, जिस वजह से जो कि भूखे नंगे टाइटन जो अब तक दीवार के बाहर थे, सारे के सारे दीवार के अंदर आ जाते हैं। सब लोग ये देख के चौंक जाते हैं, क्योंकि इससे पहले कोई भी टाइटन दीवार को नहीं तोड़ पाता था, और अचानक से इतना बड़ा टाइटन कहाँ से आया किसी को कुछ पता नहीं था। टाइटन दीवार के अंदर आ जाते हैं शहर में, और चारों तरफ तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। जब हमारा मेन कैरेक्टर ये तबाही का मंजर देखता है, वो ठान लेता है कि वो टाइटन्स का नामो निशान पूरी दुनिया से मिटा देगा। I decided I have to kill them. I won't stop till every single titan is dead and rotting. Dead. Every last one. तो क्या हमारा मेन कैरेक्टर ये करने में कामयाब होगा, ये तो पता चलेगा आपको एनिमे देख करके, लेकिन मैं आपको बताऊंगा रीजन कि आप इस एनिमे को क्यों देखें। पहला रीजन तो ये है, जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती रहती है, प्लॉट थिक होता रहता है। थिक मतलब कि बहुत ही थिक। मिस्ट्री एलिमेंट जो है स्टोरी का, वो सीरीज के स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाता है कि आखिर टाइटन इतना बड़ा कहाँ से आया जो कि आज तक किसी ने नहीं देखा। इसके अलावा दीवारें किसने बनाई हैं। We're going to build the wall. We're going to build the wall. We have no choice. We have no choice. Build that wall. Build that wall. Build that wall. अब कुछ याद आ रहा है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, कई मिस्ट्रियां सॉल्व होती हैं, जिसकी वजह से और मिस्ट्रियां सामने आती हैं, जो कि प्लॉट को बहुत ही अच्छा और कॉम्प्लेक्स बनाती हैं और स्टोरी को देखने लायक बनाती हैं। अटैक ऑन टाइटन बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल स्टोरी है, जो कि हमेशा आपको अपनी सीट्स की एजेस पे रखती है। थ्रिल एलिमेंट स्टोरी का आपको हर बार सरप्राइज करेगा। इसके अलावा स्टोरी का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट है, खास करके सीरीज के स्टार्टिंग में, जो कि है हॉरर। जी हाँ, टाइटन का डर, क्योंकि कोई भी तुम्हारी तरफ ऐसे भागते हुए आएगा तो डर तो लगेगा ही ना। पर इसके बावजूद जो सबसे अच्छा लगता है, वो है हमारे कैरेक्टर्स का करेज और ना हारने का जज्बा, जो कि स्टोरी के हर एक सीन को जोश से भर देता है। एनिमे के एनिमेशन तो अच्छे हैं ही, इसके अलावा इसमें जो साइड कैरेक्टर्स हैं वो काफ़ी हद तक मेन कैरेक्टर से भी ज़्यादा उभर के आते हैं। उनकी साइड स्टोरीज़ और उनकी जो कैरेक्टर है डेवलपमेंट, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जहाँ तक मेरी बात है तो मैं इस सीरीज़ को ज़रूर रिकमेंड करूँगा, और रेटिंग की बात कहें तो मैं इसे 10 में से दूँगा 9। सीरीज़ के निकल चुके हैं 3 सीज़न, चौथा जो कि हमें इस साल मिलने वाला है 2020 अक्टूबर में। तो अगर आप प्लान बना रहे हैं इस एनिमे को देखने का, तो ज़रूर देखिए। इस स्टोरी के राइटर हैं हाजिमे इसेयामा। प्रोनंसिएशन में कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना। अगर आप चाहते हैं मैं इसके ऊपर अपडेट लाता रहूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।